Hi everybody, good evening. Welcome to our YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra, your PM ma'am. And आज हम continue करने वाले हैं NCERT exemplar की इस series से. Hashtag Any12 तक तो हम complete कर चुके हैं. अब आज से हम Any3 से इस session को continue करेंगे. ठीक है, तो चलिए करते हैं. आज photosynthesis of higher plants, सभी questions इसके solve किए जाएंगे, सभी questions इसके explain होंगे. एक बार जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बता दो कि मैम इज लाइव, सो दैट सभी बच्चे आज के सेशन में जरा जल्दी से आ जाएं, सो दैट वी कैन स्टार्ट. बीच में अभी एक दो दिन का गैप हो गया था बेटा, वी आर बैक विद दिस सीरीज, है ना. अब हमको इसको बिल्कुल रेगुलर करना है. ठीक है, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर PDF आपको मिल जाएंगे इस सीरीज के. जो भी मैं PDF यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, अगर आप चाहते हो आपको वो क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस, तो वो आपको यहीं से मिल जाएंगे. आपको NCERT एग्जाम्पलर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि कौन सा मेटल आयन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट है? तो जो मैग्नीशियम होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में. एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जिसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा. तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, मैग्नीशियम. क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पिगमेंट एक्ट करता है डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे प्राइमरी काम जो है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ए का है. तो कौन करेगा ये काम? क्लोरोफिल ए करेगा. क्वेश्चन नंबर 3, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है पार, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है? तो इसकी जो रेंज होती है बेटा, अगर हम पार की रेंज देखें तो ये होती है 400 से लेके 700. ये हमको वेवलेंथ बतानी है नैनोमीटर के अंदर. ठीक है, तो 400 से 700 जो रहता है ये स्पेक्ट्रम का पार्ट, ये क्या करेगा फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. कौन सी लाइट रेंज लीस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में? सबसे कम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन में होता है. सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? रेड में और ब्लू में होता है, मोस्ट इफेक्टिव है. ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो कीमो यानी कि केमिकल, केमिकल को यूज़ करके सिंथेसिस करते हैं वो एनर्जी. तो केमिकल जो होते हैं उनके होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन PS2, क्या एनर्जी चाहिए होती है बेटा? एनर्जी जो रिक्वायर्ड है ATP सिंथेसिस के लिए PS2 में कहाँ से आती है? तो वो एनर्जी आती है प्रोटोन ग्रेडियंट से. तो जो फोटोसिस्टम 2 है वो क्या करेगा, इसके पास क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को है ना क्या करेगा, रिलीज करेगा ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ दी वाटर. ठीक है, याद रखना. क्या ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में है? क्या लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? ATP हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन बनता है. लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? थाइलाकोइड के अंदर होती है, लाइट पर डिपेंडेंट रहती है. ठीक है, ATP NADPH का जो प्रोडक्शन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू नीरज, यहाँ तक सबको समझ आया ना? चलो आगे चलते हैं बेटा. डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड सो बिकॉज. डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि वो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती. इसीलिए नहीं बोला जाता है कि ये अंधेरे में होती है, इसीलिए बोला जाता है कि लाइट पर डिपेंड नहीं करेगी. पैप इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज. पैप जो होता है ना प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, किस में होता है ये? तो ये होता है C4 पाथवे में. HN स्लैक पाथवे जो होता है इसमें जो पैप है ये क्या रहेगा?
हाँ, पैप कार्बोक्सिलेज, पैप केस इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 के लिए जरूरी है ना? वेरी गुड. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पर होती है? वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है इसकी अपन को लोकेशन जो है बतानी रहेगी. तो ये होती है इनर सरफेस ऑफ थायलाकॉइड मेम्ब्रेन. काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, PS2 के साथ भी एसोसिएटेड है ना, PS2 के साथ एसोसिएटेड रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने हैं कि जो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है जाते हैं. तो PS2 से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, PS1, फेरोडॉक्सिन, ऐसे करके जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना, 2 प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, PS1, फेरोडॉक्सिन. द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट, कौन सा एंजाइम C3 प्लांट में नहीं मिलता? पैप कार्बोक्सिलेज. ये कहाँ पर मिलेगा फिर? ये मिलेगा C4 प्लांट में. इट इज़ फाउंड इन दी C4 प्लांट. नेक्स्ट पर आ जाइए, जब CO2 को ऐड करते हैं टू पैप, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो. पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट C4 साइकिल का क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटेट बनता है. इस तरीके से हमने सभी MCQs कंप्लीट करे हैं. अब हम जो शॉर्ट आंसर है उसकी तरफ चलेंगे और आपको बताना है कि इस फिगर को देखिए. आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर एनिमल सेल का है या प्लांट सेल का है. तो दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द प्लांट सेल. क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये अपनी प्रोजेनी को प्लांट दे सकता है क्या? तो प्रोजेनी जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है ये. क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेमी ऑटोनॉमस है, क्योंकि उसके पास खुद का DNA होता है, इसीलिए ये रेप्लिकेट कर लेता है और अपनी प्रोजेनी को ये अपने आप को दे देता है. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो यहाँ पर होती है, ए वाले रीजन में कौन सी होती है बेटा? तो ए क्या है? ये स्ट्रोमा है. ए वाला क्या है? स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का. तो यहाँ पर क्या होगी? डार्क रिएक्शन होगी. और जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA है, क्लोरोप्लास्ट DNA है. यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये वाली इक्वेशन देखिए और आंसर कीजिए कि ये रिएक्शन कहाँ होती है. तो ये जो रिएक्शन है बेटा, वाटर स्प्लिटिंग की है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की है. तो ये जो रिएक्शन होती है PS2 से एसोसिएटेड होती है, इनर सरफेस ऑफ दी थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है. वाटर स्प्लिटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. क्वेश्चन 3 पे आ जाओ, साइनोबैक्टीरिया और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनके पास लेमिलास वगैरह जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. इनके पास तो है नहीं बेटा क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्या करेंगे? तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है, जैसे बैक्टेरियोफिल्स होती है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है. ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन जो है साइनोबैक्टीरिया की, वहाँ पर ऐसे फोल्ड, जैसे जो मैंने आपको जब सेल चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसी फोल्डिंग्स हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे मीजोजोम बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट है ना, ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये अगर साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है तो इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं. वहाँ पर ये पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करती है. जैसे साइनोबैक्टीरिया ब्लू है, तो ब्लू पिगमेंट फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेशन को लाइक कर दो बेटा अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो. NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड होता है बाहर थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के, आउटर साइड ऑफ थायलाकॉइड मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू रिलीज ऑफ. जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूट जाता है तो किसका रिलीज होता है? ATP मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है. क्वेश्चन नंबर 5, कैन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स बी डन इन मोनोकॉट्स? क्या मोनोकॉट्स में गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं क्या?
तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकॉट्स में नहीं किए जा सकते क्योंकि मोनोकॉट्स के जो वैस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड है, तो बैंड ही नहीं बनेगा फ्लोएम का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन को समझिए कि CO2 प्लस ATP NADPH वाटर ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट वाली जो रिएक्शन है, मतलब CO2 ATP NADPH और वाटर से क्या मिल रहा है, ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट ADP NADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बोल रहा है कितने मॉलिक्यूल ATP और NADPH के जरूरी है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए। तो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करना है तो 3 मॉलिक्यूल चाहिए ATP के और 2 मॉलिक्यूल चाहिए NADPH के ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर पाए। दूसरा क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन कहाँ पर होती है? तो ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के, इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। डज मून लाइट सपोर्ट सिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस मून लाइट में होता है क्या? नहीं, मून लाइट में इतना एनर्जी ही नहीं रहता कि वो क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर पाए और फोटोसिंथेसिस कर पाए। अब आपको बताना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है, ठीक है? हैच स्लैक पाथवे क्या है? C4 है। C4 साइकिल के नाम से यहाँ पे ग्लूकोज सिंथेसिस होता है। C4 साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलोस एसिटिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन का होता है। कैल्विन साइकिल के बारे में क्या पूछा जा रहा है? तो जो C4 प्लांट में कैल्विन साइकिल होती है क्लोरोप्लास्ट में बंडल शीत सेल के, आपको ये बताना है कि सम ऑफ दीज टर्म्स केमिकल्स आर, मतलब ये सब C4 पाथवे में इनका क्या रोल है ये आपको बताना है। पेप कार्बोक्सिलेज क्या है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है मीजोफिल में C4 प्लांट के, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का, है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, ठीक है। बंडल शीत सेल कैसे रिलेटेड है? तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वैस्कुलर बंडल्स के पास C4 सेल्स में, ठीक है। तो ये वैस्कुलर बंडल के पास प्रेजेंट होंगे मोनोकॉट लीफ में, ये इस तरीके से C4 साइकिल से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 9, NADP रिडक्टेज एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में कहाँ लोकेटेड है? तो आउटर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है। ये क्या करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए? तो ब्रेक डाउन करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को और एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ATPase एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन से हैं? तो एक होता है हेड जिसे F0 बोला जाता है और एक होता है F1। तो जो F0 हेड होता है वो कहाँ पर होता है? अंदर की साइड होता है, F1 साइड बाहर की साइड होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, चेंज कौन से हमें आता है ATP बनाते टाइम? तो F1 पार्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन करवाने के लिए? तो ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में बनते हैं लेकिन डार्क रिएक्शन करवाने में रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट इज़ द बेसिस फॉर डेसिग्नेटिंग C3 एंड C4 पाथवेज ऑफ फोटोसिंथेसिस? C3 किसको बोलोगे, C4 किसको बोलोगे? तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने कार्बन है ये डिसाइड करता है कि उसको C3 पाथवे बोलोगे कि C4 पाथवे बोलोगे, है ना। नेक्स्ट, अब हम शॉर्ट आंसर पे आ गए कि जो सकुलेंट होते हैं, जो डेजर्ट वगैरह में प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो अपना स्टोमेटा को दिन में बंद रखते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। फिर वो फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट के लिए CO2 को कहाँ से लाते हैं? तो उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में फिक्स करते हैं, मैलिक एसिड बनाते हैं, इसीलिए उनको दिन में स्टोमेटा ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, CO2 को लेने की नहीं पड़ती, रात को ओपन करके मैलिक एसिड बना लेते हैं। क्लोरोफिल ए प्राइमरी पिगमेंट है लाइट रिएक्शन के लिए, एसेसरी पिगमेंट क्या है और उनका क्या रोल है?
तो एसेसरी पिगमेंट, जो भी पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा पाई जाती है दैट इज एसेसरी पिगमेंट, ये क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है, जैसे कि कौन, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड, सभी क्या करती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और क्लोरोफिल ए को देती है. क्वेश्चन नंबर 3, डू रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन नीड्स लाइट. क्या डार्क रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत है? क्या डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है? ऑल्दो डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होते हैं, पर लाइट नहीं चाहिए होती है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दी लाइट. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे रिलेटेड है? दोनों में ही फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, दोनों में ही ऐसा बोल सकते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, और यहाँ पे कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 5, अगर ग्रीन प्लांट को डार्क में रख लेंगे और उसको बिल्कुल हवा भी नहीं देंगे, वेंटिलेशन भी नहीं देंगे, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या? तो क्या सप्लीमेंट दे उसके ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, ये बताइए. तो अगर प्लांट को डार्क में रखोगे लेकिन उसको वेंटिलेशन दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको मिल जाएगा, ठीक है, और उसको पानी देना पड़ेगा ताकि वो सर्वाइव करे, ठीक है. तो इनिशियली तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा लेकिन लंबे समय तक नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पे मिलते हैं ओशन में, इनको सेम लाइट तो मिलती नहीं होगी, किसी को ज़्यादा मिलती होगी, किसी को कम मिलती होगी, जो जितना गहरा है उसको उतनी कम मिलेगी, अलग अलग वेवलेंथ मिलती होगी. तो फोटोसिंथेसिस ऐसे कंडीशन में कैसे करते हैं, है ना? तो किसी को अलग वेवलेंथ की, किसी को ज़्यादा कम मिलती होगी, सोलर रेडिएशन बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है. तो लो लाइट कंडीशन को ये अडाप्ट हो जाते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए. क्वेश्चन नंबर 7, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कैनोपी होती है वो बड़ी थिक होती है और प्लांट यहाँ नीचे ग्रो करते रहते हैं, तो इनको कम ही लाइट मिलती है ना, क्योंकि बड़े प्लांट उनको छुपा के रखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, ठीक है. तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, स्कियोफाइट्स बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े प्लांट के नीचे छुप जाते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट नहीं मिल पाती, ठीक है. तो बहुत कम भी लाइट होगी ना, फिर भी वो अडाप्ट होते हैं कि फोटोसिंथेसिस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, क्या कंडीशन रुबिस्को को ऑक्सीजनेस एंजाइम मतलब एक्टिविटी करवा देती है? तो रुबिस्को में कार्बोक्सिलेज की भी साइट है, ऑक्सीजनेस की भी साइट है. तो जब एंजाइम को क्या मिलेगा, ज़्यादा CO2 मिलेगा, तो वो कार्बोक्सिलेज यूज़ करेगा और बढ़िया तरीके से फोटोसिंथेसिस करेगा. लेकिन जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है फोटो रेस्पिरेशन वगैरह की वजह से, तो क्या होने लग जाता है, ऑक्सीजन उससे बाइंड कर जाता है और उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है. इसके पास दोनों साइट प्रेजेंट होती है. हम चाहते हैं कि सिर्फ CO2 का ही यूज़ हो ताकि फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ जाए. Why does the rate of photosynthesis decrease at higher temperature? जैसे जैसे temperature बढ़ाओगे photosynthesis का rate कम हो जाएगा, क्योंकि जो enzyme use होते हैं photosynthesis पे वो एक optimum temperature पे काम करते हैं. जैसे temperature बढ़ेगा तो enzymes denature हो जाएंगे और photosynthesis नहीं हो पाएगी. Question number 10, ये बताओ कि light reaction of photosynthesis में ATP synthesis is a chemiosmotic phenomena. तो ATP को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोटॉन पंप लगते हैं, प्रोटॉन आयंस लगते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट रखते हैं, तब जाके ATP बनती है. इससे ये समझ में आता है कि ये क्या एक कीमी ऑस्मोटिक फिनोमिना है, और कंसंट्रेशन भी रहता है ना इसीलिए. मेल्विन साइकिल वर्कड आउट द कंप्लीट बायो, अच्छा मेल्विन कैल्विन ने मेल्विन साइकिल बनाई कि शुगर कैसे बनती है, तो कैसे उन्हें पता चला? तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन लिया, जिसको लेबल किया C14, और एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर किया, एनालिसिस किया. इससे पता चला कि जो शुगर बनी वो उसमें क्या आ रहा था, C14 आ रहा था, मतलब CO2 से ही शुगर बनती है, उन्हें ये पता चला. उन्होंने क्लोरेला यूज़ करी थी, एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ट्रेस करने के लिए कि कैसे क्या ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है. तो कैल्विन और उनके को वर्कर ने कार्बन का पाथ पता किया था इस एल्गी और C14 को यूज़ करके.
छः टर्न कैल्विन साइकिल की जरूरी होती है एक मोल ग्लूकोज बनाने के लिए। तो एक कैल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स होता है, छः कैल्विन साइकिल में छः CO2 फिक्स होंगे और छः CO2 जरूरी है फिक्स होना एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, इसलिए छः बार कैल्विन साइकिल होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ये बता रहे थे कि फ्लो चार्ट को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट होती है, लाइट आती है फोटोसिस्टम 1700 पे ऐसे गिर जाती है और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी रोल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको कौन पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिया जाएगा। तो लाइट से यहाँ पे फोटो एक्साइटेशन हुआ, क्लोरोफिल निकला, क्लोरोफिल इधर इलेक्ट्रॉन निकला और इसने पकड़ा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14, क्रांज एनाटमी किस में मिलती है? तो क्रांज एनाटमी C4 प्लांट में मिलती है, जैसे कि मेज़ शुगर केन वगैरह। ये प्लांट कैसी कंडीशन के लिए बेटर अडेप्टेड हैं? तो ये है ना, क्या करते हैं कि अगर हाई CO2 वगैरह है तब भी वहाँ पे बेटर परफॉर्म, मतलब कम CO2 में भी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, है ना, हर तरीके की कंडीशन में। 15 पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में, कम पानी में भी अच्छा काम कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा काम कर देते हैं, ऐसे अडेप्टेड रहते हैं। अब अगले पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ वे ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया ने सभी सिंथेसिस करा फूड अर्थ पे, कमेंट करो। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, मोनेरा को बिलोंग करते हैं, एक सेल के यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है जैसे कि फाइकोसाइनिन AC, तो ये फूड अपना बना लेते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी मल्टीसेलुलर है, क्लोरोफिल है, ये भी फूड बनाते हैं, तो जो भी खाना आज अर्थ पे इन दोनों के वजह से ही है। क्वेश्चन नंबर 16, टमाटो कैरेट चिली या रेड कलर के होते हैं किस पिगमेंट की वजह से? तो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से रेड होते हैं, जो कि क्या होती है, ये एक ऐसे सरी पिगमेंट होती है, ठीक है। तो रेड कलर जो है टमाटो और चिली का वो किसके वजह से है, लाइकोपीन नाम की पिगमेंट की वजह से है, ठीक है, याद रखना, एक टाइप की कैरोटीन ही होती है वो। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का DNA है, एक्स्ट्रा जीनोमिक DNA, इसीलिए उनको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। उनके पास खुद के राइबोसोम्स है 70S, खुद के प्रोटीन वो सिंथेसिस कर लेती हैं, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर लेती है, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए बेटा, तो ये वाली जो अपनी फोटो है ये NCERT में भी दी गई है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि कौन से प्लांट में ये देखा जाता है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट एग्जिबिट दीज टू टाइप ऑफ सेल्स। तो जो C4 प्लांट होते हैं मोनोकॉट शुगर कोन मेज, है ना, और कुछ कुछ डाइकॉट भी होते हैं उसमें ये देखने को मिलते हैं, कौन से सेल है, बंडल शीट सेल, मेसोफिल सेल। दूसरा क्वेश्चन, पहला प्रोडक्ट क्या है, तो C4 एसिड पहला प्रोडक्ट है, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। थर्ड पे आ जाओ, कौन सा एंजाइम बंडल शीट सेल और मेसोफिल सेल में होता है, तो मीजोफिल सेल में पैप कार्बोक्सिलेज होता है जो एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स करके C4 एसिड बनाता है, ठीक है। और बंडल शीट सेल में क्या होता है, रूबिस्को होता है क्या, RuBP कार्बोक्सिलेज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं जरा, एक साइक्लिक प्रोसेस है C3 प्लांट में, जो लाइट पे डिपेंड है, उसको ऑक्सीजन चाहिए लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोसेस हो रही है, मतलब वो क्या है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, दैट इज़ फोटो रेस्पिरेशन। क्या वो ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए प्लांट के? इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल। और क्या पूछ रहा है, एंड प्रोडक्ट इसमें क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, परऑक्सीजोम्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, यूफोरबिया और मेज को ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करा, क्या वो रह पाएंगे क्या? तो यूफोरबिया कैम्प प्लांट है, मेज C4 प्लांट है, दोनों ही कहाँ रह पाएंगे, बिल्कुल रह पाएंगे ट्रॉपिकल में। क्वेश्चन नंबर 2, मोर एफिशिएंट कौन है फोटोसिंथेसिस में? C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन कम होता है, इसीलिए वही क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं ना वो। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों की लीफ एनाटमी में क्या डिफरेंस है? तो जो लीफ प्रेजेंट होती है क्रांज एनाटमी में,
माना क्रैंज एनाटमी होती है ना मेज प्लांट में, C4 में, यूफोर्बिया में नहीं होती है, ठीक है, याद रखना जरा इसको। यूफोर्बिया तो सकुलेंट सेल है। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर पे आ जाइए, बस ख़त्म होने वाला है ये। इज इट करेक्ट कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है प्लांट की? लीव्स के साथ साथ दूसरे ग्रीन प्लांट में भी होती है, जैसे कि स्टेम में होती है ना। स्टेम अगर फ्लैशी ग्रीन ओपेंशिया में बन जाती है, स्टेम जैसे स्पाइन में बन जाती है तो उसमें भी होने लगता है, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट में होती है, भले ही फिर उनका मॉडिफिकेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको लोकेशन बतानी है ATP और NADPH सिंथेसिस कहाँ होता है? आउटसाइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होता है। CO2 कहाँ पे फिक्स होता है? स्ट्रोमा में फिक्स होता है, ठीक है, स्ट्रोमा में होता है। शुगर का सिंथेसिस कहाँ चलता है? क्लोरोप्लास्ट में चलता है। और सिंथेसिस ऑफ स्टार्च कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी पिगमेंट की प्रॉपर्टी है जो फोटोसिंथेसिस करवाती है? ठीक है, तो जो क्लोरोफिल ए है उसमें जैसे ही ब्लू रेड लाइट की वेवलेंथ डलती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसमें क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है ना, तो ये ज़रूरी है। और रेड और ब्लू लाइट में क्यों हायर है फोटोसिंथेसिस ये भी बताना है। तो पिगमेंट रेडिएंट एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस करवाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवा के, एक्साइट करवा के। रेड और ब्लू लाइट की मैक्सिमम एनर्जी होती है जो कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करती है, जो एक्साइट और इनिशिएट करती है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। 700 और 400 नैनोमीटर के बीच की जो लेंथ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। व्हाट वी कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट द एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस ओवरलैप, ठीक है, कैसे बता देंगे? तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है फोटोसिंथेसिस का और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों की ही पीक रेड और ब्लू लाइट में आती है, इसीलिए दोनों क्या करते हैं, इसीलिए दोनों ओवरलैप करते हैं। C4 प्लांट क्यों बढ़िया है? क्योंकि इनकी लीफ एनाटमी बढ़िया है, ज़्यादा टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, ज़्यादा लाइट में काम कर सकते हैं और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए ये बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है, कि ये स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक्शन स्पेक्ट्रम कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कौन सा और क्या बता रहा है? तो एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कितना हो रहा है काम, कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वो एक्शन स्पेक्ट्रा है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से तो ये देख लेंगे कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है और इससे एक्शन से देख लेंगे कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। चलो, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स कौन से होते हैं और एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं लाइट रिएक्शन के? तो सबसे पहले तो क्या होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयन और वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन का रिलीज होगा और ATP NADPH का फॉर्मेशन होगा। ये मेन प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के। फिर से क्या था, कंप्लीट करने को बोला था बेटा साइक्लिक को, क्योंकि यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आ गया, तो ये एक साइक्लिक टाइप का दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की पिक्चर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, रुबिस्को को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज क्या बोला जाता है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह भी काम करता है, इसीलिए इसको RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोला जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? तो रुबिस्को जो है CO2 से बाइंड करता है 3PGA को C3 प्लांट में, है ना, ये इसका एक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। C4 प्लांट में RUBP कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है ना, और क्या बनाता है, प्रोडक्ट्स बनाता है। तो जब कार्बोक्सिलेज काम करता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा है, जब ऑक्सीजनेज बाइंड करने लगेगा तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा और गड़बड़ियाँ होने लगेगी, एनर्जी वेस्ट होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, क्या स्पेशल फीचर है लीव्स में C4 प्लांट के? तो इनके पास क्रैंज एनाटमी होती है, जो वैस्कुलर बंडल है
बड़े बड़े लार्ज शीट ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पर थिक सेल वॉल होती है ना, बहुत थिक वॉल होगी, तो जल्दी से ऐसे कुछ एक्सचेंज होगा नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें एब्सेंट होगी। फ़ायदा क्या है इसका, हाई टेम्परेचर पे रहेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी इसमें गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है, ट्रॉपिक्स वगैरह में भी ये काम कर पाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो एंजाइम बताइए C4 प्लाथवे के और एक्सप्लेन करो उनका रोल CO2 को फिक्स करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट एंजाइम अगर हम देखेंगे, C3 साइकिल का RuBP है ना, और ये क्या बनाता है बेटा, ये तो 5 कार्बन का कंपाउंड होता है C3 साइकिल में, C3 को बनाएगा। C4 साइकिल में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्टेज होता है जो CO2 को फिक्स करके C4 एसिड यानी कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है। रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, क्यों? तो ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये शुगर बनाने के लिए ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सभी में, इसीलिए इसको वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट एंजाइम बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस इन C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में इसीलिए नहीं होती क्योंकि C4 में कैपेसिटी होती है CO2 को कंसंट्रेट करने की उसके सेल्स में, ठीक है, तो जब CO2 ज़्यादा होगा तो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगा, तो रूबिस्को किससे बाइंड करेगा, CO2 से ही बाइंड करेगा, O2 से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हमने पूरी NCERT एग्जाम्पलर जो है बेटा कंप्लीट कर दी है, पूरी NCERT एग्जाम्पलर कंप्लीट कर दी है फोटोसिंथेसिस की। तो अब आपको ये, आपने अगर लेक्चर देख लिया है तो कमेंट करना NE13, क्या कमेंट करोगे, NE13, यही आपकी आज की अटेंडेंस है। एंड अब हम अगला चैप्टर करेंगे रेस्पिरेशन इन दी प्लांट्स और फिर करेंगे प्लांट ग्रोथ। इस तरीके से हमारी 3 यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी की जो है कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बात पे आते हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल कर दो। कल मेंटी क्विज होने वाली है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगी। यूट्यूब पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेंटी क्विज होगी, ठीक है। कल एक और चीज़ है बेटा, अन अकेडमी पे कल मेगा कॉम्बैट होने वाला है ना, वो भी आप बिल्कुल दो ना, बहुत ज़रूरी है। उसकी लिंक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, उसमें आपको फ्री स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। जो भी बच्चा NEET 23 में देना चाहता है वो अन अकेडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। इससे आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा एंड एट दिस प्राइस आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद टेस्ट सीरीज़ यहाँ कंप्लीट कर पाओगे। एंड ये बेटा कल मेगा कॉम्बैट है जिसकी लिंक मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बेटा आज की सारी बातें, ज्वाइन कर लो ज़रा इसको और मिलते हैं कल। #NE13 कमेंट करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।